हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि मैम 6 to 8 के लिए साइंस और सोशल साइंस का जो पिछले बहाली में कटअप गया था वो मुझे बताइए। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है और एक मेरे सब्सक्राइबर है, नाम तो अभी मुझे नहीं याद है, लेकिन उनका हर एक वीडियो पर कमेंट आता है कि मैम सोशल साइंस का आप बताइए। तो सबसे पहले जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस समय जो बहाली हुई थी जो 6 to 8 की, तो उस समय क्या हुआ था, जो मेरिट लिस्ट बना था ना उसको पब्लिकली प्रकाशित नहीं किया गया था, नेट वगैरह पे नहीं डाला गया था, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर बहाली हुई थी, बहुत सारे लोगों की बहाली हुई थी और उसमें कैंप लगा के ना नियोजन पत्र बांटा गया था, तो उसमें पता ही नहीं चला कि कटअप कहाँ तक गया। मेरिट लिस्ट जो बना उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। उस समय लोग क्या करते थे कि जितना भी कैंप लगता था हर एक कैंप में सारे TET पास लोग जो होते थे जाते थे इस इंतजार के साथ कि मेरा नाम कहीं आ जाए। उनको भी नहीं पता होता था कि मेरा नाम आएगा, लेकिन फिर भी वो उस कैंप में जाते थे, जहाँ भी कैंप लगती थी वहाँ जाते थे कि मेरा नाम आएगा फिर मेरी बहाली होगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वैसे लोगों से, जो एक लोग तो मेरे स्कूल में भी हैं जो जिनकी बहाली, लेकिन उनकी बहाली हिंदी से हुई है, तो मैं उनसे पूछी थी कि कटअप कैसे गया था, क्या गया था, तो फिर मैं वैसे लोगों के बारे में पता कर रही हूँ जो लोग या तो साइंस से आए हैं नहीं तो सोशल साइंस से आए हैं, कि उनके कटअप के बारे में मैं पता कर पाऊँ कि कटअप कहाँ तक गया था, उनके बारे में जान पाऊँ, उससे जानकारी मुझे मिल जाए। तो मैं इस काम में लगी हुई हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, मैं पता करके आप लोगों को जरूर बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे पे भरोसा करना होगा क्योंकि प्रूफ मेरे पास नहीं है, मैं दिखा नहीं सकती। जैसे 1 to 5 के लिए मेरे पास प्रूफ था, मैं बार बार उसको अलग अलग ब्लॉक का भी है, बहुत सारे लोग बोले कि और भी ब्लॉक का डालिए, तो मैं आगे डालूंगी कि सबसे नीचे कटअप कितना गया था, उससे संबंधित भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ उस ब्लॉक का, लेकिन और भी ब्लॉक का मेरे पास है जहाँ पे नीचे कटअप भी गया था, मेरे वाले में बहुत ज़्यादा हाई कटअप गया था। मैं बताई थी कि उसमें है क्या कि जो ब्लॉक है सो शहर से बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ का कटअप बहुत ज़्यादा हाई चला गया क्योंकि सीट बहुत कम था और जिनको भी बहुत अच्छे मार्क्स थे उन्हीं का सिलेक्शन वहाँ पे हो पाया। तो और ब्लॉक में ऐसा नहीं है, तो मैं उसको भी अपलोड करूँगी। और जो लोग भी 6 to 8 के बारे में पूछते हैं, मैं पक्का आप लोग से प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसमें लगी हुई हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चले कि कटअप कहाँ तक गया था और मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर। वैसे कटअप हाई नहीं गया था, ज़्यादा नहीं गया था, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ 1 to 5 की शायद 1 to 5 में जो कटअप हाई गया था उसके पीछे कारण है। मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि जो लोग सरकारी कॉलेज से सीटेट किए हैं, सॉरी DLED किए हैं, उनके पास मार्क्स ज़्यादा होता है क्योंकि मार्क्स बेसिस पे ही उनका एडमिशन होता है, इसलिए उनके मार्क्स ज़्यादा थे इसलिए कटअप उतना हाई गया था। लेकिन जब बहाली हुई थी उस समय 1 to 5 की, जब मेरी बहाली 2015 में हुई थी, उससे पहले जो बहाली हुई थी उसमें बहुत कम मार्क्स जिनको थे उनकी भी बहाली हो गई थी। जैसे मेरे स्कूल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 82-83 मार्क्स है, फिर भी उनकी बहाली हुई क्योंकि उस समय कटअप उतना हाई नहीं गया था, उसमें अनट्रेंड को भी बैठाया गया था, तो फिर मार्क्स का कोई प्रॉब्लम उस समय नहीं था। तो अभी क्या कितना कटअप जाएगा इसके बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, साइंस वाले को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे सीट है, आसानी से उनका हो जाएगा। सोशल साइंस वाले के साथ थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि सोशल साइंस में सीट बहुत कम है और जहाँ भी सीट है वो फुल है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने स्कूल के आसपास भी जितने भी स्कूल हैं कहीं भी सोशल स्टडीज़ का सीट खाली नहीं है, इसलिए उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं है, सीट भी बहुत है। जब बहाली होगी तो जैसा कि सीट बताया जा रहा है तो बड़े स्तर पर बहाली होगी, तो फिर आप लोग उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और एक और बात, आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है, अगर आपका एज बचा हुआ है तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई है तो आप KVS के लिए ट्राई करिए, हमेशा KVS का एग्जाम होते रहता है, हमेशा फॉर्म आते रहता है, उसमें जाइए। अब बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे संबंधित जो मेरिट लिस्ट से संबंधित बातें आप लोग तक जरूर पहुँचाऊँगी, मैं पता करूँगी और आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि कटअप कहाँ तक गया था। बस आप लोगों को मुझ पर अपना भरोसा बना के रखना,
होगा, क्योंकि भरोसा करेंगे तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो मुझे कुछ और कुछ गलत कमेंट आ जाते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सबसे पूछते रहती हूँ, जो भी इस विभाग के शिक्षा विभाग के जानकार लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, तो उनसे मैं पूरा पूछ के पता करके ही आप लोगों तक बात को पहुँचाती हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल देती हूँ। जिसकी जानकारी मुझे बहुत अच्छे से होती है उसी बात को आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो इसके बारे में मैं जानकारी बोल रही हूँ बार बार, इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई हूँ और मैं अपलोड जरूर करूँगी। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें।